क्या बात है भैया, आप ऐसे उखड़े उखड़े क्यों लग रहे हो? नहीं स्वीटी, ऐसी कोई गल नहीं है। भैया झूठ मत बोलिए। आज तक जब भी हमारा कोई घटिया प्लान कामयाब हुआ है तो आपके चेहरे पे एक अजीब सी चमक आ जाती है। आज वो चमक, वो रौनक दिखाई नहीं दे रही है। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, क्या है? नहीं स्वीटी, मैं वो प्रिया के बारे में सोच रहा था। ओह माय गॉड भैया, उस लड़की की औकात है कि हम उसके बारे में कुछ सोचें? स्वीटी तू समझ नहीं रही है, कोई आज जब मॉनिटर रूम में वो जब विक्रम चोरी करते पकड़ा गया था तो वो प्रिया ही थी जिसने विक्रम की तरफदारी की थी। हाँ तो मतलब ये कि जिसे हम गरीब और बेचारी समझ रहे थे उसके मुंह में जुबान है, और कहीं जुबान के साथ साथ उसके पास दिमाग भी हुआ तो। हाँ तो वो क्या बिगाड़ लेगी हमारा? स्वीटी है, अरे वो राम की बीवी है, वाइफ। अगर वो बिगाड़ने पे आ गई ना तो बहुत कुछ बिगाड़ सकती। वो इसने अभी हमारा कुछ नोटिस नहीं किया है, लेकिन मैंने उसकी आंखों में शक देखा है। वो कहीं उसका शक यकीन में बदल गया ना तो हमारे इस राज का पर्दाफाश हो जाना है। और वो दिन कभी आएगा नहीं, क्योंकि राम उसकी कोई भी बात मानेगा ही नहीं। वो कब तक? वे राम और वो हस्बैंड वाइफ हैं। हो सकता है उनमें वो नज़दीकियाँ नहीं हो जो एक हस्बैंड वाइफ में होती है, पर जिस दिन वो नज़दीकियाँ उनमें पैदा हो गई ना तो राम ने हमारी भी नहीं सुननी, समझ ले। वो दिन कभी नहीं आएगा भैया, नेवर। तू ना ओवर कॉन्फिडेंट हो रही है। भैया आज प्रिया ने खुद अपनी आंखों से विक्रम को चोरी करते हुए देखा है, और जहां तक मैं प्रिया को जानती हूँ उसको ये बात हजम ही नहीं हुई। अब इससे राम और प्रिया की दूरियां और भी बढ़ जाएंगी। अब इन्हें कोई नहीं बचा सकता, इनका कुछ भी नहीं हो सकता। उस स्वीटी, चोर की दाढ़ी में तिनका होता है, कहीं प्रिया ने वो तिनका देख लिया ना तो। अरे छोड़ो ना मामा, हमने अपने दाढ़ी का रंग तिनके के रंग के साथ मिला लिया, तिनका दिखने का सवाल ही नहीं उठता। और भाई राम तो मेरा श्रवण कुमार है, वो मुझ पे शक कभी कर ही नहीं सकता, वो भी इस दो कौड़ी की लड़की के कहने पर। इम्पॉसिबल। पता है भैया, आज की रिसेप्शन पार्टी में जब राम और प्रिया एक साथ खड़े हुए थे तो मेहमान मुझसे आ आकर ये पूछ रहे थे कि ये राम की वाइफ है या इस घर की केयरटेकर। अब ऐसे में प्रिया राम के दिल में अपनी जगह बनाएगी, इज दैट पॉसिबल? नेवर। देखो भैया, एक सिंपल सी बात है, एक पत्नी अपने पति की लाइफ में आई हुई हर औरत के साथ उलझ सकती, पंगे ले सकती, लेकिन उस औरत से वो कभी नहीं उलझ सकती जो उसके पति की लाइफ में ऑलरेडी हो। और राम की लाइफ में मैं वो, मैं उसकी माँ हूं, तो मुझसे कैसे उलझेगी? उलझ ही नहीं सकती। सो रिलैक्स, सिर्फ अपने मामा जी के लिए एक ड्रिंक बना के लाओ, एक्चुअली पूरी बॉटल लेके आओ। वैसे मामा वो हार कितने है? वो कितने है मतलब? जिथे उन्हें होना है। एले। इतना तेजी से चला रखा है,
कभी ठंड क्यों नहीं लगती है? ट्राई करती हूँ। मिस्टर कपूर, वो प्लीज 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 कुछ मत पूछो मुझसे, आई बेग ऑफ यू। ये सब क्या हो गया, कैसे हो गया, क्यों हो गया, कुछ नहीं सुनना है मुझे। आई एम नॉट आंसरेबल टू यू, इज दैट क्लियर? अरे मैंने कहा कुछ पूछा? पूछने का इरादा तो था ना? हाँ लेकिन पूछा तो नहीं। थैंक यू, बहुत मेहरबानी की, एहसान किया मुझ पर कि अभी तक नहीं पूछा तुमने। कोई थैंक यू बोलने से एहसान नहीं उतर जाता, बिल्कुल उसी तरह जैसे सॉरी बोलने से किसी की गलती पे माफी नहीं मिलती। एक मिनट, क्या कहना चाह रही हो तुम? वही जो आप समझ रहे हैं ना, वही कहना चाहती हूँ मैं। मतलब आपको क्या लगता है, आप इस तरह से सॉरी वॉरी बोल देंगे तो विक्रम के साथ आपने जो किया उसके लिए आपको माफी मिल जाएगी? आई न्यू इट, जानता था मैं कि तुम इस बारे में बात करोगी मुझसे। मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहती थी, वो तो आपने छेड़ी बात, तो अब आप सुन लीजिए। आज जो कुछ भी हुआ ना उस हार को लेके, और जैसे भी हुआ अच्छा नहीं हुआ मिस्टर कपूर। आई मीन व्हाट्स रॉन्ग विद यू? विक्रम आपका बेस्ट फ्रेंड है, आपका सबसे अच्छा दोस्त, और आपने कैसे सोच लिया कि वो हार की चोरी करेगा? इट्स सो शेमफुल जस्ट बिकॉज वो मिडिल क्लास है। अरे मिडिल क्लास तो मैं भी हूँ मिस्टर कपूर, हमारे घर में भी ऐसी प्रॉब्लम्स होती है। लेकिन क्या करता, क्या करता मैं? तुम जानती हो कि वो हार मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, मेरे दादाजी का हार है वो। अरे इतना इंपॉर्टेंट है तो आपको संभाल के रखना चाहिए था ना, लापरवाही खुद ने की और इल्जाम विक्रम पे लगा रहे हैं आप। हमारे घर में जब भी ऐसा कुछ होता था ना। एक मिनट, तुम बार बार ये हमारा 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 क्यों बीच में ला रही हो? ठीक है मानता हूँ कि तुम्हारे घर में चोरियां नहीं होती। यू वांट टू नो व्हाई चोरियां नहीं होती तुम्हारे घर में? क्योंकि उस चोर को तुम जैसे हिटलर के साथ उलझना पड़ता। अरे उससे बेटर तो ये होता कि वो बेचारा सूली चढ़ जाए। क्या 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 कहा आपने मुझे? कुछ नहीं कहना है मुझे, ना कुछ सुनना है। देखो एक मिनट, ये मामला मेरे और मेरे दोस्त का है, तुम बीच में मत आओ प्लीज। अरे हाँ तो मुझे कोई बीच में पड़ने का शौक भी नहीं है। प्लीज आप ऐसा मत समझिए, आपने बात शुरू की तो मैंने कहा, वरना मेरा कोई इरादा अच्छा, नहीं। प्लीज आप बोलना बंद करो यार, नींद आ रही है मुझे। तो जाइए ना सोइए, मैंने थोड़ी आपको पकड़ के यहाँ खड़ा कर रखा है। तो ठीक है, तो तुम भी जाओ ना और लाइट्स ऑफ करो। आप कीजिए लाइट्स ऑफ, वहाँ पे स्विचेस वहाँ पे। ओके ओके, अपने बिस्तर तक तो पहुँचो नहीं तो गिर जाओगी, वैसे भी दिन भर ट्रिप होती रहती हो। राइट प्लीज, ना बीवी की इज्जत करते ना दोस्त की। गलती हो गई मुझसे जो मैं एसी की बात करने चली गई, इतना कुछ सुना दिया। पता नहीं कोई इतनी ठंड में सो कैसे सकता है, पोलर बियर ही सो सकता है खाली। कुछ कहा तुमने? जी नहीं। चले डायनासोर बोलती है, पोलर बियर बोलती है। अच्छे भले इंसान को जूम में डाल देगी लड़की। समझ में तो आया असलियत। अपनी बड़बड़ बंद करो, नहीं तो नींद नहीं आएगी मुझे। ये धरती, ये नदिया, ये रहना और तुम। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.